आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 ML अग्रवाल मैथ्स क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 16 का थर्ड और फोर्थ पार्ट करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पर दिया हुआ है हमें x माइनस टू वाई माइनस फाइव, एक्स माइनस टू वाई प्लस थ्री। अब फिर हमें वही चीज देखनी है कि कॉमन क्या ले सकते हैं। x माइनस टू वाई तो हम कह देंगे कि x माइनस टू वाई इक्वल टू पी, इसको हम p ले लेंगे, तो हम लिख सकते हैं p माइनस फाइव, ठीक है, और यहां लिख सकते हैं p का p प्लस थ्री। आइडेंटिटी फिर वही आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है ना। अब इसमें इसको कंसीडर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा p का स्क्वायर प्लस, यहां पर a की वैल्यू है हमारी माइनस फाइव और b की वैल्यू है हमारी प्लस का थ्री, ठीक है। अब a की जगह पे हम रख देंगे माइनस फाइव प्लस का, b की जगह पर थ्री, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई पी प्लस माइनस का फाइव इंटू प्लस का थ्री। ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस, ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस माइनस, फाइव में से थ्री गया टू पी, उसके बाद प्लस माइनस का फिफ्टीन, ब्रैकेट ओपन करेंगे पी स्क्वायर माइनस टू पी माइनस फिफ्टीन। हमारा ये आ गया पी स्क्वायर माइनस टू पी माइनस फिफ्टीन। अब यहां पर क्या करेंगे, बाई पुटिंग वैल्यू, बाई पुटिंग वैल्यू हमें क्या मिलेगा, पी स्क्वायर की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, एक्स माइनस टू का, एक्स माइनस टू वाई का होल स्क्वायर माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई पी की जगह पर एक्स माइनस टू वाई और माइनस का फिफ्टीन। अब ये जो हुआ हमारा, ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है। अब इसको उसमें एक्सपेंड कर लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई का होल स्क्वायर माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई टू वाई, फिर माइनस का टू इंटू एक्स करेंगे तो माइनस का टू एक्स, माइनस का टू इंटू माइनस टू वाई करेंगे तो प्लस का फोर वाई और माइनस का फिफ्टीन, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा फोर वाई स्क्वायर माइनस टू टू जो फोर एक्स वाई माइनस का टू एक्स प्लस का फोर वाई माइनस का फिफ्टीन, ठीक है। अब हमारा आंसर क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई माइनस टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस फिफ्टीन। तो ये जो है वो एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई हमारी थर्ड पार्ट की, ठीक है। इसी तरीके से फिर हम इसी वीडियो में फोर्थ पार्ट कंप्लीट करते हैं, क्वेश्चन 16 हमारा पूरा हो जाएगा। आपको आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, अगर आपको आइडेंटिटीज पता है जैसे ये वाली थी फोर्थ वाली, तो उसमें ये है कि आप इजीली जो है वो इन क्वेश्चंस को पुटअप कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि फोर्थ में हमें क्या दिया हुआ है, यहां पर कॉमन देखना है, कॉमन क्या है, थ्री एक्स माइनस फोर वाई और थ्री एक्स माइनस फोर वाई। तो यहां पर लेट कर लें आप थ्री एक्स माइनस फोर वाई को पी, अब इसकी जगह पर रखेंगे पी तो पी माइनस टू लिख सकते हैं और यहां पे पी माइनस सिक्स लिख सकते हैं, ठीक है। ये फिर इसी आइडेंटिटी में आ जाएगा ये, ठीक है। अब यहां पर मैं इसकी वैल्यूज अलग कर देता हूं, यहां पर ए की वैल्यू हो जाएगी माइनस टू, बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस सिक्स, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि एक्स का स्क्वायर का मतलब पी स्क्वायर प्लस माइनस का टू प्लस माइनस का सिक्स यानी ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई पी और प्लस माइनस का टू और माइनस का सिक्स मल्टीप्लाई करके पी स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में माइनस माइनस प्लस माइनस का एट साथ में पी प्लस माइनस से माइनस कैंसिल टू सिक्स प्लस का ट्वेल्व आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस एट इंटू पी एट पी प्लस ट्वेल्व। हमारा एक्सप्रेशन जो बनकर आया वो आया पी स्क्वायर माइनस एट पी प्लस ट्वेल्व। अब बाई पुटिंग वैल्यू, बाई पुटिंग वैल्यू वी गेट पी की जगह क्या रख सकते हैं थ्री एक्स माइनस फोर वाई का होल स्क्वायर, तो थ्री एक्स माइनस फोर वाई का होल स्क्वायर माइनस एट मल्टीप्लाइड बाई थ्री एक्स माइनस फोर वाई एट पी की जगह और प्लस का ट्वेल्व। ये फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, एक्सपेंड करते हैं तो थ्री एक्स का होल स्क्वायर प्लस फोर वाई का होल स्क्वायर माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई थ्री एक्स और मल्टीप्लाइड बाई फोर वाई माइनस एट थ्री जा ट्वेंटी फोर एक्स माइनस माइनस प्लस एट फोर जा थर्टी टू वाई प्लस का ट्वेल्व। थ्री एक्स का स्क्वायर हो गया नाइन एक्स स्क्वायर, फोर वाई का स्क्वायर हो गया सिक्सटीन वाई स्क्वायर माइनस टू थ्री जा सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर एक्स वाई
माइनस का, माइनस का 24x, प्लस का 32y और प्लस का 12, ये इसका आंसर हो जाएगा। 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 24xy माइनस 24x प्लस का 32y और प्लस का 12। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।